दोस्तों, हाउ टू अटेन 100 अपॉन 100 ऑन 24th फरवरी इन क्लास 12th इंग्लिश का पार्ट 5th स्पेशल टिप्स भेजा जा रहा है। इस पोर्शन में हम लोग देखेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिला करके एक जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक आपकी क्या होती है प्रिंसिपल क्लॉज और प्लस प्रिंसिपल क्लॉज पे आधारित आपकी क्या होती है सब आरडी नेट क्लॉज होती है। तो हम बनाएंगे कैसे, जैसे दे रहा है द थीप वाज अरेस्टेड, एग्जाम्पल आपका है द थीप वाज अरेस्टेड, ये आपका पहला सिंपल सेंटेंस है। और दूसरा सिंपल सेंटेंस है इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, ये आपका दूसरा सिंपल सेंटेंस है। तो इसको आप कंबाइंड कैसे करेंगे, इट इज ट्रू दैट, इसका कंबाइंड फॉर्म हो जाएगा इट इज ट्रू दैट द थीफ वाज अरेस्टेड, द थीफ वाज अरेस्टेड। यहाँ पे दोनों क्लॉज अलग अलग है, ये आपका क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और ये आपका क्या हो गया सब ऑर्डिनेट क्लॉज यानी आश्रित हो गया। अब हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज के यूटिलाइजेशन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज, बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज क्या करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जैसे दे रहा है आपका शिवाज स्लीपिंग, सी वाज स्लीपिंग, आई केम टू होम, आई केम टू होम, ये आपका फर्स्ट सिंपल सेंटेंस है और ये आपका क्या है सेकंड सिंपल सेंटेंस है। जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, सी वाज स्लीपिंग, सी वाज स्लीपिंग कंबाइन कर देंगे व्हेन आई केम टू होम, व्हेन आई केम टू होम, यहाँ पे हमने इसे जोड़ दिया, ये आपका क्या है एडवर्ब ऑफ क्या है ये टाइम है, हमने एडवर्ब ऑफ टाइम से जोड़ दिया। दोस्तों अब आपका
जो अगला पोर्शन आ रहा है वह कंपाउंड सेंटेंस को बनाने की विधि आ रही है। हाउ टू मेक ए कंपाउंड सेंटेंस बाय कंबाइनिंग टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंस। और हम सभी जानते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस में क्या होते हैं, एक या एक से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होंगे और ये क्लॉज एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो करके पूरी तरह से क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। तो आपकी जो कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस कंटेन टू आर मोर देन टू प्रिंसिपल क्लॉज। सभी प्रिंसिपल क्लॉज एक दूसरे पर आश्रित ना होकर एक दूसरे पर आश्रित न होकर के स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ देते हैं, स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ देते हैं। जैसे महेश इज पुअर, एग्जांपल आपका है महेश इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। ये आपका दूसरा सिंपल सेंटेंस है और महेश इज पुअर ये आपका पहला सिंपल सेंटेंस है। ये दोनों अलग अलग हैं। जब हम इनको जोड़ करके क्या करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो कनेक्टिंग का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा महेश इज पुअर और ये हो जाएगा बट ही इज ऑनेस्ट। यहाँ पे हमने बट के द्वारा दोनों को जोड़ दिया। दूसरा, कंजंक्शन के यूटिलाइजेशन के द्वारा हम क्या करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस बाई यूजिंग कंजंक्शन। तो ये कंजंक्शन आपके तीन रूप में, कुमुलेटिव कंजंक्शन, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, दूसरा एडवर्सेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, तीसरा आपका है इलेक्टिव कंजंक्शन और आपकी जो चौथी हो जाएगी वह अल्टरनेटिव कंजंक्शन हो जाएगी। तो हम कुमुलेटिव कंजंक्शन यानी संचयी संयोजक, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन या संचयी संयोजक, संचयी संयोजक के यूटिलाइजेशन के द्वारा, जैसे दिया आई एम ए डॉक्टर,
ही इज ए पेशेंट, आई एम ए डॉक्टर, ही इज ए पेशेंट। तो यहाँ पे एक ऐसे कंजंक्शन का यूटिलाइजेशन करेंगे जो दोनों वाक्यों को क्या कर दे, जोड़ दे। क्या हो जाएगा, आई एम ए डॉक्टर एंड, ये हो गया ही इज ए पेशेंट, ने यहाँ पे क्या कर दिया, जोड़ दिया। दूसरा आपका है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, ये आपका पहला था। दूसरा है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, और एडवर्सेटिव कंजंक्शन में क्या होता है, विरोध सूचक, विरोध सूचक। तो आपका वाक्य है आई एम पुअर, आई एम ऑनेस्ट, आई एम पुअर, आई एम ऑनेस्ट, गरीब भी है और ईमानदार है। यहाँ पे अपोजिट प्रॉपर्टी दे रहा है, क्योंकि गरीब का ईमानदार होना बहुत मुश्किल होता है। यह हो गया आई एम पुअर बट, यह हो जाएगा आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट। तो यहाँ पे हमने बट के द्वारा जो एडवर्स कंडीशन को दिखा रहा है। तीसरा है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, वैकल्पिक संयोजक, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, वैकल्पिक संयोजक। तो कह रहा है कि यू मस्ट स्टडी हार्ड, यू मस्ट स्टडी हार्ड, यू विल फेल, पहला हो गया, दूसरा हो गया यू विल फेल। तुम्हें कठिन मेहनत करना चाहिए, तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कंबाइंड यू मस्ट स्टडी हार्ड कामा दे देंगे और कर देंगे अदरवाइज यू विल फेल, अदरवाइज यू विल फेल। अगला है इलेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन यानी परिणाम सूचक संयोजक, परिणाम सूचक संयोजक। एग्जाम्पल दे रहा है आई कैन नॉट राइट, एग्जाम्पल दे रहा है आई कैन नॉट राइट, मैं नहीं लिख सकता, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसका कंबाइंड फॉर्म हो जाएगा आई कैन नॉट राइट
इसका जो कंबाइंड फॉर्म आ जाएगा, आई कैन नॉट राइट फॉर, क्योंकि इट इज ए वेरी डिफिकल्ट। तो दोस्तों आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस चैप्टर बताया गया, जिसमें आप दो सिंपल सेंटेंस के द्वारा एक सिंपल सेंटेंस बनाना, दो सिंपल सेंटेंस के द्वारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, और दो सिंपल सेंटेंस के द्वारा एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। दोस्तों ये मेरा वीडियो लिंक देखने के बाद आप अपनी बुक से जो पिछले सालों में बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन पेपर के सेट को आप क्या कर देंगे, हल कर लेंगे, तो निश्चित तौर पे आप इंग्लिश में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे और 100/100 निश्चित तौर पे गेन कर सकेंगे। तो मेरी शुभकामना है, धन्यवाद।